गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड एंड डूइंग वेल। सो आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 102 पी। दिस इज़ योर EVS वर्कशीट ऑफ क्लास 4 एंड डेट इज़ 1st November 2021। बिफोर स्टार्टिंग दिस वर्कशीट यू हैव टू राइट डाउन योर क्लास विथ सेक्शन ABCD, आफ्टर दैट योर नेम एंड योर टीचर नेम। वर्कशीट शुरू करने से पहले आपको आपका सेक्शन क्लास के साथ लिखना है, आपको अपना नाम और अपनी टीचर का नाम लिखना है, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं ये वर्कशीट। बच्चों, साल में कई मौके ऐसे आते हैं जब सभी लोग मिलकर खुशियों का त्यौहार मनाते हैं। खुशियों के उत्सव की बात हो और हम त्यौहारों की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? त्यौहारों के समय घर और बाजारों की रौनक देखते ही बनती है। तो बच्चों, आज हम भारत में मनाए जाने वाले विभिन्न त्यौहारों के बारे में जानेंगे, ठीक है? तो प्रश्न एक है, नीचे आपको भारत में मनाए जाने वाले विभिन्न त्यौहारों के चित्र दिए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से चित्र पहचान कर इन त्यौहारों के नाम क्रम अनुसार अपनी कॉपी में लिखिए। क्रम अनुसार का मतलब है सिक्वेंस से लिखना, जैसा इसमें दिया है ना, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही, ठीक है? पहला त्यौहार आपको जो दिया गया ये क्या है, ये है होली, ठीक है? दूसरा है ईद, और तीसरा त्यौहार आपको दिया गया ये है आपका बुद्ध पूर्णिमा। फोर्थ नंबर पर आपको दिया गया दिवाली। फिफ्थ नंबर पर है आपका गुरुपूरब। फिफ्थ नंबर पर है आपका बैसाखी। इसके लिए मैं कलर चेंज कर देती हूँ, सॉरी, ये है लोहड़ी। सेवंथ पर है आपका क्रिसमस, और एट नंबर पर आपका लिखा है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी। तो पहले नंबर पर है होली, दूसरे नंबर पर ईद, बुद्ध पूर्णिमा, दिवाली, गुरुपूरब, लोहड़ी, क्रिसमस एंड जन्माष्टमी, ठीक है? तो आइए अब शुरू करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, बच्चों, ऊपर दिए गए त्योहारों में से कुछ त्यौहार वर्ष 2021 में अब तक आ चुके हैं और कुछ अभी आने वाले हैं। वर्ष 2021 के कैलेंडर के अनुसार ऊपर दिए गए त्योहारों की तिथि क्रम अनुसार अपनी कॉपी में लिखिए। उदाहरण के तौर पर आपके लिए नीचे एक किया गया है। जैसे पहले नंबर पर है होली, होली की तिथि क्या थी, 29 मार्च 2021, और इसका दिन था सोमवार। आपको उसी तरीके से बाकी सभी त्योहारों के डेट और डे लिखनी है। तो ऊपर से ही हम स्टार्ट करते हैं, मैं इसी के साथ लिखती जाऊंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे पहला है आपका होली, होली दिया हुआ है, होली त्यौहार है, ये था हमारा 29 मार्च, इसका दिन था सोमवार, ठीक है? दूसरा है आपका ईद, ईद है आपकी 21 जुलाई, और इसका दिन था बुधवार। उससे अगला है आपका बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा ये थी आपकी 26 मई और दिन था बुधवार, ठीक है? अगला है आपका दिवाली, ये है आपकी 4 नवंबर और दिन है इसका गुरुवार, ठीक है? उससे अगला त्यौहार है आपका गुरुपूरब है आपका आएगा 19 नवंबर और इसका दिन होगा आपका शुक्रवार,
फिर है आपका लोहड़ी, लोहड़ी हर वर्ष 13 जनवरी को मनाई जाती है। और जो 2021 में जनवरी में 13 जनवरी जिस दिन की थी वो था आपका वीरवार। अगला है आपका क्रिसमस, जो कि ये है आपका क्रिसमस जो कि आता है हमेशा 25 दिसंबर। और इस बार 25 दिसंबर जो है वो रविवार का है। अगला है आपका जन्माष्टमी, ये आपका था 30 अगस्त। और इस दिन था सोमवार। तो पहला त्यौहार है होली जो कि 29 मार्च को था, जो कि था 29 मार्च सोमवार। ईद 21 जुलाई बुधवार। बुद्ध पूर्णिमा 26 मई बुधवार का दिन था। दीपावली 4 नवंबर गुरुवार का दिन। गुरुपूरब 19 नवंबर शुक्रवार का दिन। लोहड़ी 13 जनवरी वीरवार का दिन। क्रिसमस 25 दिसंबर रविवार का दिन। और आपका जन्माष्टमी 30 अगस्त उस दिन था सोमवार। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट यूज़फुल लगी होगी। अगर यूज़फुल लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।